जय हिंद दोस्तों, जोहार झारखंड। तो चलिए आज बात कर लेते हैं जे एस एस सी जीएल के बारे में कि इसका ऑनलाइन डेट कब से है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑनलाइन के बारे में, हम लोग जान लेते हैं। तो ऑनलाइन हम लोग का 20 जून से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट इसका 19 जुलाई तक है। और सेकेंड में एज लिमिट 21 से 35 साल तक है और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे छूट दिया गया है। जैसे कि जनरल का बात कर लेते हैं तो 21 से 48 यानी कि 48 साल तक इसमें एज लिमिट दिया गया है। और अप्लाई फी के बारे में बात कर लेते हैं कि वहाँ पे हम लोग का आवेदन शुल्क कितना लगेगा। तो देखिए, मेल के लिए 100 रुपया और फीमेल के लिए 50 रुपया आवेदन शुल्क लगेगा। उसमें टोटल पोस्ट 2025 यानी कि सीजीएल में टोटल पोस्ट 2025 टोटल वहाँ पे पोस्ट है। और कुछ बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम लोग का पत्र 1 यानी कि सबसे पहले हम लोग का एग्जाम जो होगा, सबसे पहले लैंग्वेज भाषा कुल प्रश्न यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों से 60-60 प्रश्न रहेंगे। और ये 60-60 प्रश्न रहेंगे, 3-3 नंबर का एग्जाम होगा। टोटल हम लोग का 180-180 यानी दोनों मिला के हिंदी और अंग्रेजी में कुल आप लोग का 360 नंबर का एग्जाम होगा। और इसमें क्वालिफाई के लिए 30% जरूरी है। अगर 30% आप लोग का नंबर नहीं है तो कॉपी जांच, अगला जो पेपर 2 और 3 है लैंग्वेज पेपर, और पेपर 3 जो दीजिएगा उसका कॉपी जांच नहीं होगा। और सेकेंड पेपर का बात कर लेते हैं तो हम लोग का है लैंग्वेज भाषा। जैसे कि भाषा देख सकते हैं आप लोग, हिंदी अंग्रेजी उर्दू। और आप लोग नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, यहाँ पे सभी लैंग्वेज दिया गया है, जैसे नागपुरी है, खोटा है। टोटल हम लोग का 100 प्रश्न रहेंगे और ये भी 3-3 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि टोटल 300 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर से हम लोग का क्वेश्चन टोटल रहेगा। और थर्ड पेपर का बात कर लेते हैं तो थर्ड पेपर में हम लोग का सिलेबस क्या क्या है तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, थर्ड पेपर में हम लोग का सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न यानी कि जीके से 30 प्रश्न, और सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस से 20, और सामान्य गणित मैथ से 20, और मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग से 20, और कंप्यूटर से 20 प्रश्न, और झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न। तो टोटल हम लोग का यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, टोटल यहाँ से हम लोग का टोटल यहाँ से 150 प्रश्न रहेंगे, जो कि 1 प्रश्न 3 नंबर का है, और टोटल 450 मार्क्स का हम लोग का एग्जाम होगा। और उसमें निगेटिव मार्किंग भी है, जो कि 1 नंबर निगेटिव मार्किंग है, इसके अंतर्गत निगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहेगा। और इसमें बात कर लेते हैं जैसे पेपर 1 में हम लोग को क्या क्या पूछा जाएगा। तो जैसे देखिए, हिंदी अनुच्छेद पे आधारित प्रश्न 30, और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 3 यानी 30, यानी कि 30-30 60 टोटल प्रश्न रहेंगे। और अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी अनुच्छेद और अंग्रेजी व्याकरण यानी पैसेज और ग्रामेटिकल से इंग्लिश में देगा, और हिंदी में भी आप लोग का बड़ा सा एक पैसेज देगा। और उसके साथ साथ आप लोग का अनुच्छेद से रहेगा, यानी कि टोटल 60-60 नंबर का पेपर 1 में क्वेश्चन रहेंगे। और लैंग्वेज पेपर कुछ इस टाइप से है, आप लोग का देख लीजिएगा लैंग्वेज पेपर। और पेपर 3 में यानी कि हम लोग का पेपर 3 में क्या क्या कहाँ कहाँ से हम लोग का पूछा जाएगा। तो देखिए, जीके सामान्य अध्ययन से हम लोग का प्रश्न, जो कि देख सकते हैं आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और वैज्ञानिक प्रगति, खेल खिलाड़ी, प्रादेशिक स्वतंत्रता। और आप लोग एक बार नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि अगर टोटल पढ़ के सुनाएंगे तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसी वजह से आप लोग देख लीजिएगा। फिर देख लीजिए सामान्य विज्ञान में कुछ है, सिंपल सा सामान्य विज्ञान से आएगा, और सामान्य गणित यानी मैथ से है, जिसमें 10th लेवल के आधारित प्रश्न रहेंगे, और रीजनिंग से कुछ है। इसके बाद कंप्यूटर से है मूल ज्ञान, इसमें कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों यानी कि एमएस विंडो और एमएस ऑफिस एवं इंटरनेट, यानी इंटरनेट और एमएस विंडो, ये तीनों से हम लोग का कंप्यूटर में कुछ प्रश्न रहेंगे। उसके साथ साथ
झारखंड जीके से हम लोग का झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज और खेल खिलाड़ी और बहुत सारा इसमें मेंशन किया हुआ है, जो कि आप लोग एक बार नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद हम लोग का एग्ज़ाम होने के बाद कुछ मेरिट लिस्ट दिया जाएगा, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आउट होगा और मेरिट लिस्ट के आधार पर हम लोग का सिलेक्शन होगा। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो प्रोसेस होगा वो सब हम लोग को करना होगा, और लास्ट में फिजिकल भी है जो कि हम लोग का मेडिकल टेस्ट होगा। और उसके बाद हम लोग को नवंबर दिसंबर के आसपास इसको फाइनल करना है, वैकेंसी को, यानी कि ज्वाइनिंग लेटर नवंबर दिसंबर तक दे देना है। बाकी आप लोग अच्छे से नीचे में मेंशन किया हुआ है सब नोटिस अच्छे से पढ़ लीजिएगा किसके अंतर्गत क्या क्या है। और ये सब देखिए ये फॉर्म है, बाकी ऑनलाइन जल्द से ही होने वाला है, 20 जुलाई से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही।